अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो ये जी पार्ट कंटिन्यू है उसी दिन के जिस दिन हम लोग गए थे अलजज़ायर बीच। हम लोग घर आए, हम लोग फ्रेशअप हुए, कपड़े वगैरह चेंज किए, बच्चों ने वही कपड़े पहने थे, सिर्फ मुँह हाथ धोया उन्होंने क्योंकि वहीं से बच्चे अच्छे से नहा कर आए थे। सो उन्होंने बिल्कुल भी रेडी नहीं था होना, बस मैंने रेडी होना था और जशान ने रेडी होना था। हम लोग रेडी हुए और हम लोग बाहर निकल गए थे शॉपिंग पर। और शॉपिंग इसलिए ज़रूरी थी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हम लोगों ने गिफ्ट्स बाय करने थे। सो हम लोग काफ़ी जगह पर घूम रहे थे, देख रहे थे कि हम लोगों ने कहाँ से क्या लेना है। ऑल दो हम लोग जो मैंने फिल्म की हैं जगह, उसके अलावा भी हम लोग एक दो जगह और गए थे। वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं थी बनाई, मैं भूल गई, मोबाइल मैं गाड़ी में छोड़ गई थी। खैर यहाँ पर हम लोग आए हुए थे अंसार गैलरी आए हुए थे, गिफ्ट्स तो एक लेने ही थे, इसके अलावा कुछ ग्रॉसरी करने वाली थी तो ग्रॉसरी कर रहे थे। इसके अलावा आपको पता है जब ये दिसंबर आता है तो बहुत सारी ऑन एंड ऑफ सेल्स लगना शुरू हो जाती हैं। इनफैक्ट नवंबर में ही आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफ्स मिलती हैं, डील्स मिलती हैं जो आए दिन आती रहती हैं। मैंने एक ऐप डाउनलोड की हुई है डील फॉर डील, अगर आप बहरीन रहते हैं तो यू कैन हैव दैट ऐप और उसमें आपको डील्स आती रहती हैं जब भी जहाँ पर भी लगती हैं। अंसार गैलरी में अच्छा है ड्राई फ्रूट और नेस्टो में अच्छा है ड्राई फ्रूट। ड्रामेज में मुझे बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट उनका नहीं पसंद है, कभी कभी अच्छा निकल भी आता है, वो जो सबसे अच्छा निकलता है ना वो अंसार गैलरी का है और नेस्टो का है। तो हम लोग ज़्यादातर इधर से ही ड्राई फ्रूट बाय करते हैं और यहाँ पर ऑफर लगी हुई थी सो हम लोगों ने ज़रा ज़्यादा क्वान्टिटी में ड्राई फ्रूट बाय कर लिया। अगर आप इनको एयर टाइट कंटेनर्स में डाल के रखते हैं ना तो फिर ड्राई फ्रूट्स ख़राब नहीं होते हैं, स्पेशली जो वॉलनट होते हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और अब हम लोग ऊपर वाले सेक्शन पे थे, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ गारमेंट्स बाय करने थे, बैग्स बाय करने थे। ऑल दो आई हैवन फिल्म्ड मैंने क्या क्या बाय किया, हम लोगों ने काफ़ी सारी जो इस तरह से रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो बाय की थी, जैसे गारमेंट्स हो गए, ईमान के शूज़ हो गए, बैग्स लिए थे हम लोगों ने। इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इन अपकमिंग वीडियोज़ में क्या लिया था। और फिर हम लोग आ गए थे लिटिल सीजर्स आ गए थे, हम लोगों ने सोचा कि पिज्ज़ा कलेक्ट कर लेते हैं। और हम लोगों ने विनेश को फ़ोन किया कि आप लोग सो तो नहीं रहे, इस वक्त रात के तकरीबन के 1:30 हो रहे थे जब हम लोगों ने उन्हें फ़ोन किया, तो शी सेड के शौकत सो रहे हैं, मैं जाग रही हूँ और अम्मी जाग रही हैं। तो मैंने कहा था चलो ठीक है सोना मत, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग पिज्ज़ा लेकर आ रहे हैं तो मिलकर बैठ कर खाएंगे। तो इस वक्त रात के 2 बज रहे थे जब हम घर पहुँचे और फिर हम लोगों ने बैठ कर पिज्ज़ा इंजॉय किया और फिर हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह पी और तकरीबन रात के 3:30 बज चुके थे जब हम लोग अपने घर में वापस आए। सो बहुत लंबा दिन था और पूरा दिन हम लोग ऑलमोस्ट साथ ही थे, सिर्फ शॉपिंग के लिए हम लोग बाहर गए थे। और यहाँ पर जी अब अगले दिन का आगाज़ है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, बना रही हूँ मैं, बना रही हूँ यहाँ पर फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने आज सोचा कि बच्चों के लिए ना फ्रेंच टोस्ट को थोड़े से इनोवेटिव वे से उन्हें बनाकर देती हूँ, मे बी उनको पसंद आए, क्योंकि ईमान बहुत चूजी है खाने पीने के मामले में। ऑल दो उसको फ्रेंच टोस्ट पसंद है बट बाज़ वक़्त वो नहीं खाती है, एक स्लाइस ले लेती है, उसका भी हाफ खाती है। सो आई थॉट कि आज इनको थोड़ा सा ना क्रिएटिव वे से मैं देकर देखती हूँ, मे बी ये जो है वो पूरा फिनिश करें। सो मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली जो इस तरह से आती है मार्केट में, उनको उसके ऊपर सॉरी ब्रेड के ऊपर मैंने लगा दिया और साथ मैंने चॉकलेट सिरप डाल दिया है। इसके अलावा ये चॉकलेट्स जो नज़र आ रही है आपको, ये ईमान लेकर आई है अंसार गैलरी से, कल ही बच्चे लेकर आए थे। सो मैंने इससे ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी ताकि ये अच्छा लगे, बहुत अपीलिंग सा लगे और बच्चों को जो है वो खाने में मज़ा आए। और यहाँ पर जी बच्चे एक एट अ मोमेंट तो खुश हुए थे बट आयान ने बहुत मुश्किल से खाया था, मुझे खिलाना पड़ा था और ईमान ने खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। बट स्टिल क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी हो गया था तो उसने 1 स्लाइस की बजाय हाफ स्लाइस खाया था, कहती मम्मी मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया, तो मैंने कहा था चलो ठीक है। तो बच्चों को खिलाना पिलाना अपने आप में एक टास्क है, वो जो शौक से खाते हैं वो बस वही चीज़ लेते हैं, वो कोई नई चीज़ ट्राई करना ही नहीं चाहते, ये मेरे लिए सबसे मुश्किल होता है। और यहाँ पर मैं किचन में वापस आ गई थी जो आज सोच रही थी बर्गर्स ही बना लेती हूँ क्योंकि बर्गर बन भी पड़े हुए थे, इसके अलावा शामी कबाब भी बने हुए थे, सो आई थॉट कि यही बना लेते हैं जल्दी से, इसी का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इसके अलावा जब मैं ये ब्रेकफास्ट बना रही थी तब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आज मैंने खाने में क्या बनाना है, सोचती रही फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आज जो है ना वो पुलाव बना लेते हैं। इस तरह से ये होगा कि पुलाव हम भी खा लेंगे और जो है बिनिश लोग भी खा लेंगे, उन्हें भी बुला लेंगे और मिलकर हम लोग जो है वो पुलाव खा लेंगे। और यहाँ पर मैंने आप लोगों से एक बात भी करनी थी, मेरे एक सब्सक्राइबर है वो मुझसे पूछती हैं अगर मैं वीडियोज अपलोड रेगुलरली नहीं करूँ, बीच में गैप आ जाए कि आपने वीडियोज अपलोड क्यों नहीं की, 3 दिन हो गए। ऑल दो फ्राइडे को मैंने अपलोड की थी वीडियो और वो मेकअप
पैलेट से रिलेटेड थी, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग और बजट फ्रेंडली पैलेट का रिव्यू शेयर करूंगी, तो वो मैंने फुलफ़िल करना था। सो मैंने फ्राइडे को वो वीडियो बनाई और अपलोड कर दी। और वीडियो अपलोड ना करने की वजह ये थी कि मेरी कज़न है, मेरी पप्पू की बेटी है, उसका छोटू सा बेटा जो कि आई थिंक 1.5 साल का था, उसकी डेथ हो गई। मेडिकल उसको इश्यूज थे जब वो पैदा हुआ, सो उसकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक थी और उसको हुआ चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, तो वो कोप अप नहीं कर पाया और अल्लाह ताला के पास चला गया। बेशक अल्लाह ताला की हर काम में हिकमत होती है। उसकी मदर ने और उसकी दादों ने, उसके दादा ने, उसके बाबा ने, सब ने ऑब्वियसली बहुत स्ट्रगल की उसको बिल्कुल एक हेल्दी लाइफ देने के लिए और उसको बिल्कुल ठीक करने के लिए, बट इंसान वही कुछ कर सकता है जो कि इंसान के इख्तियार में है। ये यहाँ बन रही है जी चाय, वहाँ कॉफ़ी, और जी मैं कॉफ़ी पीट करने लगी हूँ। आ जाओ विनेश, ये कल हम लोग एक और कॉफ़ी लेकर आए, रेड मग वाली। यार इसका नाम रेड मग ही है, रेड मग। हाँ अब ये भी लिख रहे हैं, मैं ये भी बनाकर पीऊँगी तो फिर बताऊँगी कैसी है। सो मेरे पास तीन होगी जिशान के लिए, एक और तरह की आती है तो चार तरह की कॉफ़ी ला के मेरी पूरी कलेक्शन हो जाएगी कॉफ़ी कॉफ़ी सेक्शन बनाने के। अच्छा ये गोल्ड ये वाली लिख रहे हैं, फ्रीज ड्राइड कॉफी। यार पर वो लूलू वाली जो थी वो ज्यादा टेस्टी थी, ये शायद मैंने उसके बाद ये पी है तो फिर ये पिए तो इतना टेस्ट नहीं है। ये तो कोई दूसरी कंपनी ना। हाँ पर ये है जिशान कहते अच्छी है, स्ट्रॉन्ग वाली। चलें जी मैं कॉफी बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को, हम सब के प्यारों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, क्योंकि रिश्ते बहुत मैटर करते हैं, रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिश्तों को ना ऑन करना सीखें। मैं सिर्फ वालदैन का औलाद से रिलेटेड रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो ऑब्वियसली ऑन करते हैं। इसके अलावा जो रिश्ते हैं जैसे चाचा हैं, आपके मामू हैं, आपके ताया हैं, पप्पू हैं, इन्हें ऑन करना सीखें। बहुत ही खूबसूरत रिश्ते हैं और छोटी मोटी ऊंच नीच हर घर में होती है, हर बात होती है, बट इग्नोर करना सीखें। अब ये रूल बना लेना कि भाई अगर फलाने ने मुझे कुछ कह दिया तो मेरी ज़िंदगी का रूल है कि अगर मुझे कोई ऐसी बात कहेगा तो मैं कभी ज़िंदगी उसका मुंह नहीं देखूंगी या उससे बात नहीं करूंगी, तो ये बहुत ही बुरी बात है, मेरे नज़दीक ये बुरी बात है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ऊपर ये इम्प्लीमेंट करूँ इन चीज़ों। ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता, एरोगेंसी नहीं आती, आती है, पर इसको आपने कंट्रोल करना होता है। यही तो नफ्स है, इसी को तो कंट्रोल करना है और इसी की तो फजीलत अल्लाह ताला के यहाँ। खैर कमिंग बैक टू द वीडियो, तो यहाँ पर जो बैम्बी का बॉक्स था और मैं इसको काफ़ी देर से सोच रही थी कि मैं इसको जो है ना अच्छे से एक बॉक्स में कन्वर्ट कर देती हूँ। ऑल दो पहले भी हमेशा ही मैं सोचती हूँ और मैं नहीं थी कर पा रही, तो आज मैंने सोचा कि अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। हमेशा यही होता है कि सोचती रह जाती हूँ कि इसको जो है मैं एक अच्छे से बॉक्स में कन्वर्ट करूँगी, बट उससे पहले ही अयान ये बॉक्स ले लेता है और उसको फाड़ फूर कर मेरे सर पे दे मारते हैं, मतलब कि वो यूज़ कर लेते हैं और ऑब्वियसली बच्चे फाड़ देते हैं। और यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। इसको जो ऊपर वाले जितने भी होंगे ना सेक्शंस, जो कार्डबोर्ड एक्स्ट्रा है जो ऊपर बंद करने के लिए यूज़ होते हैं, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए एक्स्ट्रा होंगे, तो उन्हें जो है वो मैं सबसे पहले मैं ये बैक वाली साइड है ना इसके ऊपर लगाऊंगी एडहेसिव शीट, और देन मैं इस वाली साइड पर लगाऊंगी। सही है जी, तो पहले मैं इस पर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो कॉर्नर्स होंगे ना इन दोनों को मैं कट लगाऊंगी ताकि जो है अच्छे से फोल्ड हो जाए। एक मिनट ये यूँ, ठीक है जी, और फिर मैं इनको फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। ये क्या जी, ठीक है, ताकि कॉर्नर्स अच्छे से बन जाए। सेम मैं उसी तरह इसके साथ करूँगी, सेम इस कॉर्नर के साथ और सेम इस कॉर्नर के साथ। ये साइड मेरी अब डन हो चुकी है, अब मैं चलती हूँ दूसरी साइड पर। अब मैंने लगानी है इस तरफ, ठीक है जी। अच्छा जो भी साइड अच्छे से स्टिक नहीं ना होगी उसको मैं UHU से लगा लूँगी, यहाँ पर भी और उस साइड पे भी आप देख रहे हैं। तकरीबन शीट मैंने लगा ली है, इतनी ज़्यादा ख़ास मैंने फोकस नहीं किया कि बिल्कुल ही कोई जो हो क्रीज ना, बस लगा ली है, जैसी भी लगी ना लगा ली है मैंने, और अंदर भी मैंने लगा ली है। इसके अलावा ये जो बीच में गैप आता है ना यहाँ पर, तो गैप आता है, तो जो मैंने ये वाला कार्डबोर्ड था ना ये वाला एक्स्ट्रा, इनमें से काट कर स्ट्रिप और इसके बीच में जो गैप होता है उसको फिल इन कर दिया, ताकि ये जो है इम्बेलेंस ना रहे। ऑल दो अभी भी है बट इतनी नहीं है जितनी के पहले थी। सही है जी। सो ये रहा फाइनल डिब्बा जो तैयार हो गया है। ये देखिए
मैंने बस रेंडमली इसको चिपकाया है, मैंने कोई मेजरमेंट्स नहीं लिए, ना ही कोई मैंने देखा कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन चिपके। बस एक रेंडमली मैंने बॉक्स तैयार किया क्योंकि मुझे जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखें अभी भी यहाँ से उखड़ है, यहाँ पर मैंने ना UHU लगाई है। इट विल टेक सम टाइम टू लाइक टू गेट ड्राई, तो जब तक ये ड्राई होगी ना फिर ये ईजिली यहाँ से चिपक जाएगा। सही है, इस तरीके से मैंने रैंडम सा एक बॉक्स बना लिया है एंड आई एम हैप्पी विद इट। मुझे इतनी एक्यूरेसी चाहिए भी नहीं थी और ना ही मैंने एक्यूरेसी लाने की जो है वो कोशिश की। सही है जी, मैं इसके अंदर रख दूँगी चीज़ ने और उसको रख दूँगी जगह पर। और एल्स आप इस तरीके से मैंने जो है और कुछ चीज़ें बीच में रख कर ऊपर आप जाय नमाज भी रख सकते हैं। सही है, और इस बैग को जिप लगने वाली है तो ये देखेंगे क्यूट हो गया नहीं बॉक्स, काफ़ी क्यूट हो गया है ना मानो, है ना मानो। आपको लटकने के अलावा कोई काम है बेटा? गंदी बच्ची है।